हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक मॉडल बनाना बता रही हूँ। ये स्विमिंग रेस का मॉडल है और ये बहुत इजीली वेस्ट मटेरियल से आप बना सकते हैं। मटेरियल भी कुछ खास नहीं लगाया है, बट ये बनकर बहुत सुंदर लग रहा है। और मैंने इसका कवर भी बनाया, लाइक बच्चा इजीली इसको कैरी कर ले और इस पर डस्ट वस्ट ना हो। और आप ये देख रहे हैं, मैंने उस पर उसका नाम, बच्चे का नाम भी डाला है और प्लस उसमें हेडिंग भी डाल दिया है। तो ये ऊपर से मतलब कवर हो जाएगा। तो इसके लिए मटेरियल चाहिए, कुछ स्ट्रिंग्स चाहिए, ग्लिटर शीट चाहिए, ए4 साइज शीट चाहिए और कोई भी वेस्ट बॉक्स। ये मैंने अपने बच्चों के टॉयज का बॉक्स लिया है। तो आप शीट्स और भी इसमें लगेंगी, बट मैंने ब्लू शो कर दिए हैं। पेयर ऑफ सीजर, स्केल, सम मार्कर्स एंड फेविकॉल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये मिनिएचर्स हैं, ये मूविंग मिनिएचर्स हैं, लाइक इनकी हैंड्स और लेग्स, नेक भी मूव करती है। तो ये हम उनमें लगाने वाले हैं। ये आपको स्टेशनरी की शॉप पर ईजिली मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, बहुत सस्ते हैं। तो सबसे पहले मैंने बॉक्स लिया है, तो बॉक्स का कवर हटा के जो उसका नीचे वाला पोर्शन है वो मुझे थोड़ा हल्का लग रहा था, तो मैंने उसे पतला सा कार्डबोर्ड पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैं बॉक्स को किसी A4 साइज शीट से, आप इसमें चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने सारी वो चीज़ यूज़ की हैं जो मेरे पास अवेलेबल थी। और मैंने उसको अच्छे से इसको कवर कर दिया है। इसके कॉर्नर्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं। आप इसमें देखेंगे, जब मैं इसके कॉर्नर्स बना रही हूँ तो मैंने सीजर से कटिंग इस टाइप से की है जिससे कि जो इसका बॉक्स का हर पार्ट है वो कवर हो जाए, अंदर से मतलब नज़र ना आए। तो बस आप ऐसे कटिंग करते जाइए और फेविकॉल लगाते जाइए, या ग्लू गन यूज़ मत कीजिएगा, फेविकॉल या ग्लू स्टिक्स जो होती हैं उन्हें यूज़ कीजिएगा। तो उससे ये नीट लगेगा और मतलब ईजिली अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से मैं कॉर्नर्स बना रही हूँ कट डाल डाल कर। मतलब अगर आप ऐसे करेंगे तो उसमें ना थोड़े से रिंकल्स आ जाएंगे, बट आप इस प्रोसीजर से करेंगे तो बिल्कुल रिंकल्स नहीं आएंगे। आप आराम से वीडियो पॉज कर करके देखिएगा, तो आपको जब आप पॉज करेंगे तो आपको इजीली मतलब पता चल जाएगा किससे। फिर मैं इसमें ब्लू कवरिंग भी कर रही हूँ जिससे कि इसका बेस और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाए और इसमें वाटर का इफेक्ट आए। ये देखिए, मैंने अब ये सारा ब्लू पेपर से, ब्लू A4 साइज शीट से कवर कर लिया। अब मैंने बीच में ग्लिटर शीट डाली है वाटर इफेक्ट के लिए। और उसके साइड में मैं पोजीशन स्टैंड बना रही हूँ जिससे कि आपने देखा होगा ना, जब रेस वगैरह होती है तो एक पोजीशन होती है 1 2 3 4, जिससे कि जो प्लेयर्स होते हैं या स्विमर होते हैं वो खड़े होते हैं। तो पहले मैंने उसको कार्डबोर्ड को मेज़र करके उसमें, सपोज़ कीजिए इसकी जो लेंथ है वो 3 है, तो मैंने 1 इंच को अलग फोल्ड किया है अलग। लाइक अभी आप देखेंगे वो मैं उसमें कार्डबोर्ड में पेस्ट करूँगी। और जो 2 इंच है, ये देखिए, ये ऊपर वाला 2 इंच है और वो नीचे 1 इंच है। और ऊपर से मैंने ग्लिटर शीट इस पर मतलब लुक अच्छी आए वो लगा दिए, और मैं उसमें नंबर्स भी डाल दूँगी कि मतलब पोजिशंस डाल दूँगी, ये देखें। और ये सब मैं जो बना रही हूँ ना, ये परमानेंट मार्कर से ग्लिटर शीट पर अच्छे से चलेगा और नॉर्मल मार्कर नहीं चलेगा। बस अब मैंने ये नंबर लिख रहे हैं, नंबर पोजिशंस डाल रही हूँ, और फिर मैं आपको इसको पेस्ट करके बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। बस जब ये डालेंगे अच्छी तरह से और एक बार और मार्कर मार दीजिए तो वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। तो बस अब मैंने इसके पीछे वाले पोर्शन पर फेविकॉल लगाकर और उसकी बॉक्स की वॉल पर अच्छे से फिक्स कर दूँगी और इसको हाथ से अच्छे से सेट कर दूँगी। ये इजीली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये मॉडल बनाएंगे, आपको ही बनाने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत ईजिली और बहुत फास्ट बना था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी किसी भी तरीके से। आप ही बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद हम अपनी ग्लिटर शीट को पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ग्लिटर शीट मैंने पहले पेस्ट नहीं की थी। मैंने सोचा पोजीशन स्टैंड उसको लगा कर फिर ग्लिटर शीट पेस्ट करूँगी। जब वो हो गया तो दूसरी साइड का भी हमें वो स्टैंड बनाना था, उसके लिए भी मैंने, मेरे पास पुरानी A4 साइज शीट थी वो ली और उसको भी उसको मेज़र करके उसी तरीके से, बस इसका जो मैंने ऊपर का पोर्शन है वो थोड़ा सा कम रखा है, जैसे उसका 2 इंच था इसका 1.5 है, तो बस उसको भी पेस्ट कर दिया। और साथ में इसके ऊपर मैं ग्लिटर शीट लगा दी जिससे कि इक्वालिटी लगे, सिमिलैरिटी लगे इस तरीके से। और इसके दोनों साइड्स में मैंने मतलब कहने ग्लिटर शीट्स का ज़्यादा यूज़ इसलिए किया है कि उसे लुक अच्छी आएगी। अब मैं इसमें पार्टीशन के लिए स्ट्रिंग्स लगा रही हूँ, जैसे कि आपने भी देखा होगा वहाँ उसमें स्ट्रिंग्स यूज़ करी होती हैं, तो वो मैं लगा रही हूँ। अब स्ट्रिंग्स को भी लगाने के 2 तरीके हैं, या तो बिल्कुल नीचे फेविकॉल लगाकर जो कपड़ों वाली क्लिप है वो लगा दीजिए, जैसे कि मैंने आपको दोनों तरीके बताने के लिए वो किया था। जैसे मैंने उसको बिल्कुल नीचे स्ट्रिंग को लगाया और उस पर जो हम कपड़ों में क्लिप्स लगाते हैं वो मैंने लगा दी, जिससे कि ये ड्राई होने के बाद इसमें चिपक जाए।
तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक मेथड और मैं आपको बताने वाली हूँ, या तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, या फिर आप जो हमने पोजीशन स्टैंड के ऊपर ग्लिटर शीट लगाई है ना उसको निकाल लीजिए, निकाल कर उसके नीचे स्ट्रिंग्स को दबा दीजिए जो लाइंस लगाई हुई है, और फिर पेस्ट कर दीजिए। इससे ये भी बहुत मजबूती के साथ होगा। अब एज यू विश कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहेंगे, मैंने आपको बता दिया है। मैंने अब दोनों साइड से ऐसे ही लगा दिए। अब उसके बाद हम उसमें अपने मिनिएचर, अब मैं मिनिएचर को भी पेस्ट करूँगी, बट मिनिएचर ना फेविकॉल से पेस्ट नहीं होंगे, इसके लिए मैंने फेविबॉन यूज़ किया था। ग्लूगन भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो एल्फी होती है वह यूज़ मत कीजिएगा, वरना आपकी जो ग्लिटर शीट है वो जल जाएगी। तो ये मैंने फेविबॉन यूज़ किया है, बट इसको लगाने के लिए आप लगाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये ड्राई होने के बाद स्टिक होगी, जिस जैसे एकदम आप क्विक चाहेंगे तो क्विक वो मतलब नहीं पेस्ट होगा। बस मैं लगाती जा रही हूँ, मैंने उनके हैंड्स, सबकी हैंड और लेग्स की मूवमेंट्स थोड़ी डिफरेंट कर दी, इसीलिए तो वो अलग से लगे। ये देखिए हो गया। अब मैं ऊपर का जो इसका मतलब कैप था, जो भी मतलब बॉक्स का कवर ढक्कन था, उसको भी मैंने कवर अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। मतलब ये मेरा अपना मानना है, अभी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बट जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको मॉडल्स को ऐसे खुले में ले जाते हैं तो दिक्कत तो आती है, तो इसलिए मैं इसको कवर बना दिया, साथ में ऊपर हेडिंग वगैरह सब डाल दिया। अब आप भी देखिए हमारा मॉडल तैयार है और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, और साथ में हमारे मिनिएचर्स भी बहुत अच्छे से इसमें स्टिक हो चुके हैं। तो देखिए, तो फ्रेंड्स अगर मेरा आइडिया आपको पसंद आएगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको कोई भी मॉडल या किसी के बारे में कोई क्वेरी है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय, मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ।